आपने राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर दिल्ली की परेड या अपने गांव और मोहल्ले में ऊंट तो देखा ही होगा। उनकी सवारी का अपना ही आनंद है, बैठने पर हल्का सा शाही एहसास भी होता है। कोई जानता है कि ऊंट पत्ते, पौधे, फल और फूल खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऊंटों को जहरीले सांप भी खिलाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे की वजह? पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का नाम लेते ही ऊंट और रेगिस्तान जहन में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के जहाज ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है? ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। इसके संरक्षण के लिए वहां की सरकार ने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति का भी ऐलान किया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था की है। राजस्थान की पहचान कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है और ये अब 2 लाख से भी कम हो गई है। पूरे देश में इस समय 2.5 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2012 की पशु गणना के अनुसार देश में 4 लाख ऊंट थे, जो 2019 के पशु गणना तक घटकर 2,52,000 हो गए। उसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ये भी संख्या 2 लाख से कम है। राजस्थान में ऊंट किसानों का सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था, जिस पर चढ़कर लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे और खेती किसानी में माल ढोने में भी ऊंटों का काम लेते थे। लेकिन ऊंटों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। उस दौरान ऐसे ही देसी नुस्खों को अपनाया जाता था। ऊंटों में एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे उसके गर्दन और पांव में दर्द के साथ साथ जकड़न होने लगती है। इसके अलावा बुखार, आंखों से आंसू गिरना, शरीर फूलने के साथ साथ ऊंट कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में पशुपालक ऊंट को जहरीला सांप खिलाते हैं। ऊंट का मुंह खोलकर उसके मुंह में सांप डाल दिया जाता है। जहरीला सांप खाने के बाद ऊंट और बीमार पड़ जाता है, सांप के जहर का असर होने लगता है। लेकिन ऊंट के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी होते हैं जो सांप के जहर से भी लड़ते हैं, जिससे कमजोर पड़ने के बावजूद ऊंट जिंदा बचा रहता है। मध्य पूर्व के देशों में चलने वाली समाज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बीमारी को हयाम कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए हैं और ना ही सांप खिलाने के लॉजिक को लेकर बहुत ज्यादा तथ्य भी दे पाए। कुछ पशु चिकित्सकों का ये जरूर कहना है कि एक विशेष कीड़े के काटने से ऊंटों में ये बीमारी होती है, कई बार ऊंटों की मौत हो जाती है, तो कभी गर्भवती उटनी का इस बीमारी से गर्भपात भी हो जाता है। ऊंटों में स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, उससे उनके दिमाग में सूजन आने लगती है, जिससे उसका सिर दर्द और बुखार शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इस बीमारी में सांप खिलाने को एक मिथक मानते हैं और अब फिलहाल ऊंटों के लिए सभी तरह के बेहतर इलाज उपलब्ध हैं। लेकिन ऊंटों को कई बार सांप खिलाने की जरूरत पड़ती थी। वैसे इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।